सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिनवास वर प्राण सर्वस शिवा के बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार प्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि वसतु निधिवन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरो अग्रदास अली कल्याणकारी। बोलिए गोवर्धन नाथ की। तो मेरे बंधुओं, आज हम आपके समक्ष सिसोदिया कैसेट के माध्यम से गोवर्धन लीला भगवान श्याम सुंदर द्वारा किस प्रकार पर्वत को धारण किया गया और क्यों किया गया, ये लीला प्रभु की आपके समक्ष सेवा में दे रहे हैं। इस कैसेट के गायक चंद्र रसिक तोमर कस्तला, इसमें ढोलक पर साथ दे रहे हैं श्री भूपेंद्र कुमार जी दिल्ली, और मेरे अन्य साथी कलाकार पुरुषोत्तम जी और अन्य साथी बैठे हुए हैं। आज क्या होता है कि भगवान श्याम सुंदर ने अपने मैया बबुला को देखा कि आप किसकी पूजा के लिए ये थाल वगैरह सजा रहे हो, तो नंद बाबा कहने लगे भैया इंद्र राजा की पूजा करने के लिए ये सभी तैयारियां चल रही हैं। क्यों? अरे भाई वो हमको बारिश करते हैं जिससे हमारी गैया पलती हैं, हरी हरी घास उगती है। कन्हैया कहने लगे रे पिताजी बड़े भोले हो, आप हमारी एक बात मानो। क्या? अरे गोवर्धन पर्वत जिसके ऊपर हमारी गैया चरती हैं, आप इनकी पूजा करें? बाबा बोले रे पागल है गयो कन्हैया, अरे गोवर्धन पर्वत है भाई, वो खाएगा नहीं भोग। अरे बाबा पूज के देखो, खाएंगे क्यों नहीं। आज मेरे बंधु हो इंद्र देवता की पूजा बंद करा के श्याम सुंदर ने और सभी ब्रजवासियों का रुख गोवर्धन की तरफ मोड़ दिया। सभी सखियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके और थाल सजा करके गोवर्धन की तलहटी में चलती हैं। कैसे? एक सखी दूसरी से कह रही है, अरे सखी गिरवर पे आई है बहार, चलो री चले पूजन को। सखी गिरवर पे आई है बहार, चलो री चले पूजन को। सब दर्शन को जावे नर नार, दर्शन को जावे नर नार, चलोरी चल पूजन को। सखी गिरवर पे आई है बहार, चलोरी चल पूजन को। क्या हुआ मेरे बंधुओं, आज देखे थाल सजा के देखो, आज सभी गोपियां आई हैं, सभी गोपियां आई हैं। थाल सजा के देखो आज सभी गोपियां आई हैं, सभी गोपियां आई हैं। नाचे गाँव में धूम मचा में फूली नहीं समाई है, फूली नहीं समाई है। नाचे गाँव में धूम मचा में फूली नहीं समाई है, फूली नहीं समाई है। सब बड़े प्रेम से नाचती गाती जा रही हैं। अरे सभी का रही की तुम्हारा, चलो री चल पूजन को। सखी गिरवर पे आई है बहार, चलो री चल पूजन को। वो सभी दर्शन को जावे नरना, वो सभी दर्शन को जावे नरना, चलो री चल पूजन को। सखी गिरवर पे आई है बहार, चलो रे चल पूजन को। मैया बबला दोनों चल दिए,
कन्हैया ने उंगली पकड़ ली, चलो मैया मैं तुम्हें संग ले चलूंगा। और मात यशोदा नंद बाबा के संग में ग्वाले आते हैं, संग में ग्वाले आते हैं। मात यशोदा नंद बाबा के संग में ग्वाले आते हैं, संग में ग्वाले आते हैं। माखन मिश्री दूध दही गिरवर को भोग लगाते हैं, गिरवर को भोग लगाते हैं। माखन मिश्री दूध दही गिरवर को भोग लगाते हैं, गिरवर को भोग लगाते हैं। कन्हैया का एक रूप पुजा रहा है सभी ब्रजवासियों के साथ, एक रूप में श्याम सुंदर पूजा रहे हैं और एक रूप भगवान ने अपना स्थित कर दिया गिरिराजी पर्वत के अंदर। कैसे खा रहे कृष्ण मुरार, कैसे खा रहे कृष्ण मुरार, चलोरी चल पूजन को सके गिरवर पे आए हैं बाहर, चलोरी चल पूजन को सके गिरवर पे आए हैं बाहर, चलोरी चल पूजन को। लगाने वाला कहते हैं ना नारद जी, वो दरअसल इधर उधर की बात लगाते नहीं है, सभी प्राणियों को अभिमान से निकाल करके भगवान कन्हैया की भक्ति मार्ग में जोड़ना चाहते हैं। आज श्याम सुंदर जाकर के इंद्र की सभा लगी हुई है पहुंच जाते हैं और श्याम सुंदर के बारे में बताते हैं। अरे इंद्र, हाँ महाराज, आओ महामुनि। श्री नारद जी बोले, राजन तेरी कदर न जानी रे, तेरी कदर न जानी रे। श्री नारद जी बोले, राजन तेरी कदर न जानी रे, तेरी कदर न जानी रे। पूजा करते हैं गिरवर की सबने मन में ठानी रे, सबने मन में ठानी रे। पूजा करते हैं गिरवर की सबने मन में ठानी रे, सबने मन में ठानी रे। अरे कैसो की नो है जुलम अपार, कैसो की नो है जुलम अपार, चलोरी चल पूजन को सके गिरवर पे आई है बाहर, चलोरी चल पूजन को। किसके द्वारा पूजा बंद की गई? अरे कन्हैया, छोटा सा कन्हैया है, उसने सभी ब्रजवासियों को रोक दिया तुम्हारी पूजा करने से। अच्छा, तो इंद्र ने तुरंत हुक्म दिया, जो महाप्रलय करने वाले बादल हैं, उन बादलों के गण जिनका नाम है सामर्थक, उनको बुलाते हैं और कहा, क्रोधित हो इंद्र ने फौरन बादल लिए बुलाई है, बादल लिए बुलाई है। क्रोधित हो इंद्र ने फौरन बादल लिए बुलाई है, बादल लिए बुलाई है। नाश करो अब ब्रज मंडल का, ऐसे हुक्म सुनाए हैं, ऐसे हुक्म सुनाए हैं। नाश करो अब ब्रज मंडल का, ऐसे हुक्म सुनाए हैं, ऐसे हुक्म सुनाए हैं। ए आयो चंद्र रसिक तेरे द्वार, आयो चंद्र रसिक तेरे द्वार, चलोरी चल पूजन को सके गिरवर पे आए हैं बाहर, चलोरी चल पूजन को। आज जिस समय नारद जी ने जाकर के इंद्र को बताया तो इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र कहता है,
कि 33 कोटि देवतान को और मैं स्वामी सरताज पर्वत पूजो छोड़ के मुझे प्रलय करो तुम आज। आज आकर के इंद्र ने बुलाया और जाओ ब्रज में और इतनी बारिश करो कि ब्रजवासियों का नाम निशान मिट जाए। इंद्र कहता है कि हे मेघ वर्त जल वर्त सुनो, अब तुमको एकदम जाना है, अब तुमको एकदम जाना है, अब तुमको एकदम जाना है। और नाश करो ब्रज मंडल का, नहीं फल की देर लगाना है, और नाश करो ब्रज मंडल का, नहीं फल बर देर लगाना है। इतने सुनकर जल में चले दिल में अभिमान बड़ा भारी, ओ दिल में अभिमान बड़ा भारी, दिल में अभिमान बड़ा भारी। इन ब्रजवासिन को सबक सिखा, हम आज करें सबकी पारी, ओ इन ब्रजवासिन को सबक सिखा, हमें आज करें सबकी पारी। आज ब्रज में आ जाते हैं सभी मेघ, बिजली चमक रही है, गड़गड़ घटा छा गई ब्रज के ऊपर। आज क्या हुआ, आ करके ब्रज ऊपर बरसे, नहीं दिल में तनक विचार किया, नहीं दिल में तनक विचार किया, नहीं दिल में तनक विचार किया। ए कौन मिटा पाया उनको, जिनको मोहन रखवार हुआ है, कौन मिटा पाया उनको, जिनका मोहन रखवाला। आज बंधुओं जिस समय बादलों ने आकर के गड़गड़ाहट के द्वारा और ब्रज के ऊपर बरसना शुरू कर दिया, तो कन्हैया की शरण में पहुंच जाते हैं कन्हैया। अरे तेने आज हम ब्रजवासी को सताए, बे को अच्छा जाल रख दियो, अरे इंद्र की पूजा बंद करा दी, देख इंद्र को कोप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। हे सुनो सुनो हे ब्रज नंदन, तेरा ही हमें सहारा है, ओ तेरा ही हमें सहारा है, तेरा ही हमें सहारा है। अब नैया डगमग डोल रही, नहीं मिलता कोई किनारा है, अब नैया डगमग डोल रही, नहीं मिलता कोई किनारा है। आज श्याम सुंदर की शरण में गए ब्रजवासी व्याकुल भये, अरे घटा उठे घनघोर, अब हो बेगी महाप्रलय, सब फिरे मचाते शोर। कन्हैया हमें बचा लेना, कन्हैया हमें बचा लेना, कन्हैया हमें बचा लेना, कन्हैया हमें बचा लेना। प्रकार से श्याम सुंदर की सामने जाके विनती करी तो आज भगवान बोले, क्या बात है, ब्रजवासी कहने लगे बात, अरे देख नहीं रहे ऊपर, क्या बात है बात बताओ। तो आज ब्रजवासी सभी एकत्र होकर श्याम सुंदर के समक्ष कहते हैं, कन्हैया सुनियो मेरी पुकार, कन्हैया सुनियो मेरी पुकार, कन्हैया सुनियो मेरी पुकार, कन्हैया सुनियो मेरी पुकार। इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, बरसे मूसल धार, कन्हैया सुनियो मेरी
कहते हैं, अरे इंद्र की पूजा बंद करा दी, वो ऋषि आए गए हैं। मान घटो इंद्र ऋषि आए, मान घटो इंद्र ऋषि आए, अरे नाश करन ब्रज मेघ पठाए, नाश करन ब्रज मेघ पठाए। मनवा डर पत देख बीजरी, मनवा डर पत देख बीजरी, अरे जम के बारंबार कन्हैया सुनियो मेरी पुकार, कन्हैया सुनियो मेरी पुकार। कृष्ण कहे मत अब घबराओ, कृष्ण कहे मत अब घबराओ, गोवर्धन की शरण में आओ, गोवर्धन की शरण में आओ। संग चले सारे ब्रजवासी, संग चले सारे ब्रजवासी, गाते मंगला चार कन्हैया सुनियो मेरी पुकार, कन्हैया सुनियो मेरी पुकार। चंद्र रसिक कह लीला न्यारी, गोवर्धन आए बनवारी, गोवर्धन आए बनवारी। अचक उठाए हाथ धर लीनो, अचक उठाए हाथ धर लीनो, हो रही थे जयकार कन्हैया सुनियो मेरे पुकार, कन्हैया सुनियो मेरे पुकार। जिस समय गोवर्धन पर्वत को अपने नख पे धारण कर लिया और मैया को खबर दी गई, तो यशोदा मैया कहती है, मैं कैसे विश्वास करूं कि 7 वर्ष की अवस्था वो इतने भारी पर्वत को कैसे उठा सकता है। मैया यशोदा सखियों के साथ आज गोवर्धन पर्वत पे आई और आकर के श्याम सुंदर को देखा, सब ग्वाल बाल गिरिराज जी के नीचे खड़े हुए हैं और श्याम सुंदर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। तो मेरे बंधुओं, मैया ने पूछा, लाला तेरी आयु 7 वर्ष की, इतना भारी पर्वत तुमने कैसे उठा लिया। कन्हैया कहते हैं, अरे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। आज मैया को बताया तो मैया कहती है, अरे नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, मनमोहन मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, मनमोहन मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
कहने लगी, यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, अरे यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मैया, अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो, अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो, उनक पे गिर भर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो, देखा लाला के हाथों पे हाथ फेरने लगी, मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुर ना जाए भैया, मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुर ना जाए भैया, अरे मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुर ना जाए भैया, मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया, अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, उनक पे गिरवर लीनो कह रही है, जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गोवर्धन लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गोवर्धन लीनो, अरे जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गोवर्धन लीनो, जब कोप इंद्र ने नख पे गोवर्धन लीनो, बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो मारो, लोहटा लोहटा नाम है पूछरी गांव का रहने वाला, बड़ी बड़ी मोटी मूछ है हमारे भूपेंद्र जी की तरह, तो कहते हैं कह मैया तुम काय घबरा रही हो, यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो, अरे यो बारो लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो, अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो, उनक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो। आज मेरे बंधुओं, मैया ने अनेक प्रकार से कन्हैया की स्तुति की
और बलैया ली। सब ब्रजवासी कह रहे हैं अरे ब्रजराज कन्हैया के द्वारा आज इस ब्रज मंडल का बड़े भाग उदय हुए। तो एक भक्त कहता है अरे तेरो जन्म सफल है जाए लगाए ले रज ब्रज धाम की। तेरो जन्म सफल है जाए लगाए ले रज ब्रज धाम की। रज ब्रज धाम की लगाए ले रज ब्रज धाम की। तेरो जन्म सफल है जाए गिरिराज लगाए ले परिकम्मा गिरिराज। काट दे पाप तेरे ब्रजराज काट दे पाप तेरे ब्रजराज। बने सब तेरे बिगड़े काज बने सब तेरे बिगड़े काज। काज तेरे बिगड़े सभी दे बनाए ब्रज चंद। करते भव से पार है वो जसुदा के नंद। अरे हृदय के पट खोल सभी कर झांकी श्याम की। तेरो जन्म सफल है जाए लगाए ले रज ब्रज धाम की। रज ब्रज धाम की लगाए ले रज ब्रज धाम की। चढ़ाए दान घाटी में दूध चढ़ाए। प्रेम दे दी जो भोग लगाए प्रेम दे दी जो भोग लगाए। के दी जो प्रभु को शीस नवाए के दी जो प्रभु को शीस नवाए। परिकम्मा कर प्रेम ते मन की तरंगे मार। मुरली धर मोहन मदन करेंगे भव से पार करेंगे भव ते पार। बात तेरे काम की तेरो जन्म सफल है जाए। नारद को बुलाया कि ब्रज का हाल क्या है। इंद्र ने नारद लियो बुलाए इंद्र ने नारद लियो बुलाए। इंद्र ने नारद लिए बुलाए इंद्र ने नारद लियो बुलाए। खबर तुम ब्रज की जइयो लाए खबर तुम ब्रज की जइयो लाए। चले हैं नारद वीणा बजाए चले हैं नारद वीणा बजाए। अरे गोवर्धन धारे हुए श्री कृष्ण चंद्र ब्रजराज। ग्वाल बाल संग चंद्र रसिक दे परकम्मा गिरिराज। मूरख इंद्र न जानी तेने महिमा श्याम की। तेरो जन्म सफल है जाए लगा ले रज ब्रज धाम की। रज ब्रज धाम की लगा ले रज ब्रज धाम की। तेरो जन्म सफल है जाए लगा ले रज ब्रज धाम की। गिरिराज धर हम तेरी शरण गिरिराज।
तेरी तरह।